प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो वर्णात्मक शब्द है, वर्णात्मक को कहते हैं किसी भी चीज़ का वर्ण करना, किसी भी पदार्थ का वर्ण करना। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए और किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, गेट के अंदर या बाहर जो भी व्यक्ति आएगा आपको उस पर नियंत्रण रखना है। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है तो गेट के अंदर आपको उसे नहीं आने देना है, और इसके अलावा जो व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो उस पर भी आपको नियंत्रण रखना है। अगर उससे आपको कोई काम नहीं है तो उसको बेशक आप बाहर जाने दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी तरह जो कोशिका होती है, कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे अपन प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर कोई पदार्थ आ रहा है, कोई पदार्थ बाहर जा रहा है, इस पर नियंत्रण रखती है। अपने हिसाब से वह देखती है कि किस पदार्थ की कोशिका को आवश्यकता है और किस पदार्थ को बाहर निकालना है, तो ये सब नियंत्रण प्लाज्मा झिल्ली करती है। कोई पदार्थ बाहर जा रहा है, अगर कोशिका को आवश्यकता नहीं है तो वह पदार्थ कोशिका के बाहर चला जाता है। अब हम इसको देखते हैं और याद करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। आपको इसे याद कर लेना है।